स्टेट अपने को बोलते हैं, लेकिन पिछले 8-9 सालों से ज़्यादा बारिश के कारण मान लो या सोयाबीन की फसल को ख़त्म होना ही मान लो, हम लोगों को 100% घाटा जाने लगा है इसमें। जो बीज बोनी करते हैं वो भी नहीं निकलता हमारा। अब गांव में पसंद है पर क्या करें, मजबूरी में माफ ही करना पड़ता। अगर अपन पैसा कमाने चलिया तो अपने पैसा जरूरत है तो तैयार उधर ही कर ला। बारिश में कोई चाह लेता भाई हाँ मक्का वगैरह बोला तो बारिश का पानी में मक्का बो लेता था और इसके अलावा दूसरी खेती नहीं होती, पानी नहीं था खेती किससे करे। पहली बार काम करने जाते थे जैसे कर्नाटक है, तमिलनाडु है, इधर कोटा है, राजस्थान है, इधर काम करने जाते थे सर 200 रुपये पर दिन में। हमारा बच्चा बच्चे भी साथ ले जाते थे। गांव का गांव खाली हो जाता, महीने दो महीने काटने जाता या फसल हो मक्का बाते थे और फिर 4 महीना तो जो बरसात में मक्का हो ही जाती थी तो परदेश चल जाते थे। जैसा कि ये बच्चा है दूध पिए है, इनको लेके जाओ तो इनके साथ में एक 5-7 साल का बच्चा है को रागबाड़ा ले जाता था, तो मतलब कहीं रोता था कहीं रहता। भारत के मध्य भाग में स्थित मध्य प्रदेश राज्य के राजगढ़ जिले में साल के ज्यादातर महीने सूखा मौसम ही रहता है। यहाँ जून से सितंबर के बीच दक्षिण पश्चिम मानसून आता है। साल की 93% बारिश जिले में इसी दौरान होती है। यह क्षेत्र काफी हद तक खेती के लिए बारिश पर निर्भर है। यहाँ 2007 से 2008 तक कुल 6 लाख हेक्टेयर में से केवल 10,000 हेक्टेयर जमीन ही सिंचित थी। 2010 में सिंचाई विभाग ने जिले के कुछ बांधों का निर्माण शुरू किया, इससे सिंचित क्षेत्र बढ़कर 48,000 हेक्टेयर हो गया। इन कोशिशों के बावजूद क्षेत्र के ज्यादातर हिस्से में पानी की कमी रही, साथ ही सिंचाई सुविधाओं की अत्यधिक मांग भी रही। इसी बीच 2014 में नेवाज नदी पर मोहनपुरा बांध का निर्माण किया गया था। तो हमारे विभाग में चूंकि ये पहली बार ये निर्णय लिया गया था शासन स्तर पे, परंतु विभाग के जो अभियंताएं हैं, विभाग का एक बड़ा धड़ा है, वह इसको मानता था कि ये करना बड़ा कठिन है, तो उसको भी कन्विंस करते हुए हमने काम करा, तो उसमें चुनौती आई परंतु वो सभी ने सहयोग किया और काम पूरा हुआ। चुनिंदा अभियंताओं को मौका मिला कि हमें ट्रेनिंग का अवसर मिला नीदरलैंड से, वहाँ पे हमने पूरे विश्व में घूम के देखा कि जो भविष्य है जो वाटर का, वाटर यूज एफिशिएंसी बढ़ाने का, वो केवल प्रेशराइज पाइप इरीगेशन है। शासन द्वारा एक PMU का गठन किया गया राजगढ़ में, जहाँ सारे वरिष्ठ अधिकारी यहाँ पदस्थ किए गए, एक टीम वर्क टीम बनाई गई, डेडिकेटेड टीम बनाई गई, काफ़ी लोगों को यहाँ बुलाया गया। उसके बाद इस योजना ने गति पकड़ी और हमने सारे निर्णय लिए, यहाँ पे सारे तकनीकी निर्णय लिए और उसको समय सीमा में पूर्ण कर लिए। हमारा टारगेट था 2018 में हमको अक्टूबर में पंप चालू करना था, उसके लिए हम लोगों ने डे नाइट मेहनत करके, ये पंप हाउस हमारा थोड़ा पीछे था, इसको 6 महीने में कम्प्लीट किया। वेट करके अक्टूबर ने हमने इसमें पंप चालू किए, तो सुपर फिर हमने 2019 में इरीगेशन किया 8,000 हेक्टेयर में। उसके बाद इस साल हम लोग पूरा कंप्लीट इसको इरीगेशन कर रहे हैं। देश में ज्यादातर सिंचाई परियोजनाएं बड़े कमांड क्षेत्र के लिए गुरुत्वाकर्षण आधारित नहर से सिंचाई करती हैं। मोहनपुरा सिंचाई परियोजना देश की ऐसी पहली सूक्ष्म सिंचाई परियोजना है जिसमें एकीकृत दृष्टिकोण अपनाया गया। इसे रबी मौसम में 120 दिनों की सिंचाई का लक्ष्य पूरा करने के लिए डिजाइन किया गया। इसमें डैम के पानी को पंप हाउस तक अप्रोच चैनल से पहुंचाया जाता है। इसे पंपों द्वारा ब्रेक प्रेशर टैंकों में ले जाया जाता है, जिसे डिलीवरी चेंबर भी कहते हैं। एक बार जब पानी टंकी में पहुंच जाता है तो इसे 4 सिंचाई क्षेत्रों के लिए भूमिगत दबाव युक्त पाइपिंग नेटवर्क से बांटा जाता है। BPT से दूर स्थित क्षेत्रों के लिए पानी का दबाव बनाने के लिए बूस्टर पंपिंग स्टेशनों का उपयोग करते हैं। पानी की लाइन को 300 हेक्टेयर के क्षेत्रों में बांटा गया है। आउटलेट प्रबंधन प्रणाली से पानी नियंत्रित करने के लिए फिर इसे 20-20 हेक्टेयर के चकों में बांटा गया है। इसे नियंत्रित करने वाला OMS सौर ऊर्जा से संचालित है जो GPS से जुड़ा है। 20 हेक्टेयर की लाइन को आगे 5-5 हेक्टेयर में बांटते हैं। इनमें से हर एक में मैनुअल हेड होता है। इसमें 4 वॉल्व होते हैं जिन्हें किसान खुद संचालित कर सकते हैं और सूक्ष्म सिंचाई सेट को वॉल्वों से जोड़कर दबाव युक्त सिंचाई का लाभ उठा सकते हैं। ये योजना प्रेशराइज इरिगेशन प्रोजेक्ट है। इसमें बांध से सीधे कृषक के खेत तक हम प्रेशराइज पाइप प्रणाली से
पानी को पहुंचा रहे हैं और 20 हेक्टेयर के चक पर चक बनाकर उसमें उसका डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं। ये पूरी प्रणाली ऑटोमेशन से नियंत्रित होती है। ये स्काडा का इतना बड़ा फंक्शन इसी योजनाओं में देश में पहला है। कंट्रोल रूम से पंप्स का ऑन ऑफ करना ये ऑपरेशन की चीज़ है और ऑब्जर्वेशन की चीज़ और डेटा एक्विजिशन की चीज़ है। उसमें डेटा एक्विजिशन में मेन टेम्परेचर, वोल्टेज, पंप्स के और मोटर्स के वाइब्रेशन और डिस्चार्ज, एवरी पंप्स कितना डिस्चार्ज दे रहा है और एवरी मैनिफोल्ड से कितना फ्लो जा रहा है, डिस्चार्ज एंड फ्लो, ये सब चीज़ें हम डेटा के इसमें एक्वायर भी करते हैं। परियोजना की शुरुआत में जानकारी के अभाव में ग्रामीणों ने कुछ तोड़फोड़ भी की। हालांकि एक बार जब पानी खेतों तक पहुंचने लगा तो ग्रामीणों ने इस प्रणाली को अपनाया और इसके सुचारू क्रियान्वयन के लिए विभाग के साथ सहयोग भी कर रहे हैं। वास्तव में ग्रामीण ही ओएमएस बक्से के रखरखाव में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं, जो परियोजना की सफलता के लिए जरूरी है। यह पूरी प्रणाली एक केंद्रीय नियंत्रण कक्ष से संचालित की जाती है। यहाँ किसान अपनी जरूरत के मुताबिक वॉल्व खोलने और बंद करने के लिए अनुरोध कर सकते हैं। आरओएमएस बॉक्स से 5 हेक्टेयर वाटर डिस्चार्ज हेड को नियंत्रित किया जाता है। कोई गलती ना हो इसके लिए मैनुअल तरीके से भी किसानों की मांगों को सिस्टम में जमा किया जाता है। पहले क्या करते थे कि जमीन तो सूखी थी तो ये लोग 24/7 बाहर ही काम करते थे, तो इन लोगों का क्या होता था कि मान लो 2,000 रुपये महीना 10,000 रुपये महीना भी कमाया तो वो 5,000 तो उनका मेंटेनेंस, रूम रेंट वगैरह इनमें निकल जाता था। अब वो 5,000 में उनका गुजारा बट्टा। अब क्या हो रहा है कि घर तो उनका फ्री का है ही सही, खाने के गेहूँ ने मोहनपुरा डैम परियोजना दे रही है। गाँव में सबसे नीचे जो सबसे निचले स्तर का किसान है वो तक इसमें नहर का लाभ ले रहा है और काम कर रहा है बढ़ चढ़ के। और मतलब ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है मेरे हिसाब से जिसके पास जमीन है और उसकी जमीन सिंचित नहीं हुई हो। मजदूरी करने से तो अच्छा है, इसमें सिंचाई करके गेहूँ कमा रही है, इससे और बड़ा बदलाव कौन सा है। 12 घंटा काम करने रहता है, लगातार काम करते है जब जाके पैसे मिलते थे। अब इसमें तो ऐसा है सिंचाई कर लो और आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। 8-10 दिन सिंचाई कर लो, 10 दिन आराम कर लो, फिर 10 दिन बाद सिंचाई कर लो, 10 दिन आराम कर लो। 2019 की गर्मियों में इस प्रणाली का कामकाज किसानों को समझाने के लिए 28 हेक्टेयर जमीन पर एक ग्रीष्मकालीन फसल हरा चना की खेती की गई थी। इसमें 20 हेक्टेयर, फिर 5 हेक्टेयर आउटलेट और स्प्रिंकलर में आरओएमएस बॉक्स स्थापित करके खेती की गई थी। इस साल दीपावली से हमारे गांव में भी नहर चालू होगी तो हमने उनकी यादव साहब की बात मान के हम इधर ही रुक गए, काम करने लग गया सर। ये गेहूँ फेंक के पानी वानी सिंचाई करने लग गया। उन्होंने बोले कि फोरा लेके आओ, फोरा से अच्छी सिंचाई होती है, बढ़िया फसल होती है, तो इसलिए फोरा भी लेके आया हूँ मैं। अभी 18 फोरा चल रहा है मेरे पास। ऐसा कि जैसे कि 1 बीघे पे 5 क्विंटल निकल रहा है ना, तो ये 7 क्विंटल निकलेगा इसका फोरा का अनाज। मेहर बना के पानी छोड़ते थे हम तो 5 मिनट में पानी निकल के वहाँ पहुँच जाता था। और इसमें क्या है कि 1-1.5 घंटा चलता है तो बराबर जमीन में पूरी धापती है वो जमीन, तो बढ़िया फसल बैठती है इसमें। मेरे को इतना उम्मीद है सर, जो मेरी खेती है ये बराबर पानी मिल गया मेरे को तो करीब से करीब 70-80 क्विंटल गेहूँ निकलेगा मेरे को। बिना पानी में आ गया तो मतलब अरे ये हो गया, हमें पानी पीने का मिल गया और हमारे नाच भी होगा। ये पानी मिलेगा तो नहीं फसल कर लेगा, बाहर जाना नारा कम हो जाएगा। लोगों के मन में ये विश्वास नहीं था कि इन पाइपलाइन से हमारे खेतों में पानी पहुंचेगा। फिर उनको कन्विंस किया कि आपको जो 20 हेक्टेयर पे चक है इसको संभालना है, यहाँ पे जो ऑटोमेशन का बॉक्स लगा है ओएमएस बॉक्स, उसमें जल का बंटवारा करना है, क्योंकि एक बार 20 हेक्टेयर में से 2 हेक्टेयर में पानी चलेगा, रोटेशन से ही पानी लेना है। ये योजना ऐसी थी जो अक्सर तकनीकी योजनाएं नहीं होती हैं, कि कम्युनिटी सेवी योजना थी, कि मतलब इसमें लोगों के सहयोग के बिना यह संभव था ही नहीं। कम्युनिटी ने इसको समझा है और जो पानी की शक्ति थी हमने उसका उपयोग किया। लोग उसको बहुत सकारात्मक तरीके से ले रहे हैं, एक साथ में आके काम कर रहे हैं। इसमें 2 प्रोजेक्ट चल रहे हैं पीएमयू में, मोहनपुरा और कुंडलिया। मोहनपुरा जो है वो 1,45,500 हेक्टेयर का है, कुंडलिया 1,40,000 हेक्टेयर। ऑलमोस्ट राजगढ़ और आगर डिस्ट्रिक्ट मिला के 2,85,000 करीब एरिया हम लोग टारगेट कर रहे हैं कि जून 2022 तक इस पूरे एरिया में
एक एक हेक्टेयर के आउटलेट पे पानी किसानों को मिलने लगे। वर्तमान में मोहनपुरा और कुंडलिया पीएमयू के अंतर्गत 7 दाबयुक्त सिंचाई उप परियोजनाएं चल रही हैं। जैसे जैसे परियोजना आगे बढ़ेगी, सभी इकाइयों को नियंत्रण, निगरानी और डेटा विश्लेषण को सक्षम करने वाली एकल प्रणाली में एकीकृत किया जाएगा। इसमें एक अत्याधुनिक नियंत्रण केंद्र विकसित करने की योजना है, जो 2.85 लाख हेक्टेयर से अधिक के क्षेत्र में 1 हेक्टेयर तक की छोटी इकाइयों की निगरानी और नियंत्रण कर सकता है। कालीपीठ के क्षेत्र में गेहूं देखने को नहीं मिलते थे, आज 1 इंच भी जमीन खाली नहीं है, सारी की सारी सिंचित है, सब में गेहूं खड़े हुए। एक एक पानी की बूंद का सही उपयोग करना, ये इन बांधों के माध्यम से हुआ है। हमारे भाई पेट पालने के लिए पलायन करते थे, खेती करने के लिए पलायन करते थे, पशुपालन के लिए पलायन करते थे, पढ़ने के लिए पलायन करते थे। लड़का पढ़ लिख करके आ जाता था तो अवसर की तलाश में फिर बेटा हमारा पलायन करता था। हम राजगढ़ क्षेत्र से लोगों को कैसे रोजगार दें, यह संकल्प हमारा है और उस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। 4 गुना मेहनत करने वाले लोग, मतलब वहां की बेने की स्थिति यह है कि पीठ पे बच्चा लाद लेते और काम करना शुरू कर देते। उनके अंदर इतनी जुनून है काम करने का। अब निश्चित रूप से जब उनको ही उनके घर में और उनके आंगन के अंदर पानी और जल आ गया तो निश्चित रूप से उनको एक नया उत्साह मनेगा और आने वाले समय में ये समाज बहुत आगे बढ़ेगा। इस डैम के माध्यम से जिस प्रकार का जागृति समाज में आएगी और जो विकास उनका हुआ है उस समाज का हुआ, आगे जाके ये राजगढ़ जिला एक मॉडल के रूप में यहाँ पर अनमोल परिवर्तन आएगा और मॉडल के रूप में पेश हो। इतने सालों में इतने बड़े बांध बनते हैं, मैं समझता हूँ कि ये पहला ऐसा बांध है 4 साल के अंदर कंप्लीट हुआ और 5वें साल हमने पानी चालू कर दिया। 2013 में इसका पूरा चालू हुआ काम और 2018 में ये कंप्लीट हो गया। कुछ लाइन टेस्टिंग हो गई थी 2018 में, वो 19 में पानी दे दिया और आज 20 में दे दिया। मैं समझता हूँ कि इतनी जल्दी ये परियोजना पूर्ण हुई है, ये सब हमारे अधिकारियों की सूझबूझ के कारण, उन्होंने पूरी निष्ठा से इसमें काम किया और काम तो युद्ध स्तर पर चल ही रहा। और मैं चाहूँगा कि जो बचा हुआ एरिया वो भी पानी के लिए तरस रहे, जल्द से जल्द उनको भी पानी मिले। भारत की 27% कृषि भूमि आज नहर सिंचाई के जरिए सिंचित है। दाब युक्त सिंचाई देश में सिंचाई का चेहरा बदल सकती है। इससे पानी का अधिकतम उपयोग और दूसरी फसल की खेती संभव है। इस लिहाज से मोहनपुरा सिंचाई परियोजना देश के बाकी हिस्सों के लिए एक उदाहरण बनेगी। मोहनपुरा राइट बैंक परियोजना ने इस साल 25,600 हेक्टेयर भूमि की सिंचाई की। वर्तमान में लेफ्ट बैंक की परियोजनाओं का निर्माण पूरी गति से चल रहा है। यहां अगले साल से सिंचाई शुरू हो जाएगी। इस प्रकार यह परियोजना अनगिनत ग्रामीणों में आशा की किरण जगा रही है, जो आजीविका की तलाश में विस्थापन के लिए मजबूर थे। अब वे अपने जीवन में पहली बार दूसरी फसल की खेती करते हैं। परियोजना के कारण स्थानीय कृषि उत्पादन में जबरदस्त बढ़ोतरी हुई है और 2021 में 54,000 मेट्रिक टन से अधिक गेहूं उत्पादन हुआ है। यह परियोजना ग्रामीणों की आजीविका सुनिश्चित करती है और उन्हें विस्थापन और प्रवास के चंगुल से निकाल रही है। मोहनपुरा सूक्ष्म सिंचाई परियोजना के कारण अब वे एक समृद्ध भविष्य का सपना देख सकते हैं और इसके लिए उन्हें अपने घर द्वार या जमीन छोड़ने की जरूरत भी नहीं है।